Well, साल खत्म होने को है and it's literally the last big release और rather the last release of the year. ये last Friday है इस साल का और ये फिल्म है Good News. Good News का best aspect है इसकी कहानी और उसकी writing. It's comical, it's progressive, it's also different and it's also sensitively handled at most places. फिल्म का subject sensitive और serious है लेकिन इसका जो overall treatment और execution है वो काफ़ी funny और light hearted है which is what works for the film all the way. इस फिल्म की कहानी is about two couples, दोनों की सरनेम बत्रा होती है और इसके चलते IVF clinic में उनके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है. This leads to a lot of comedy, chaos and confusion. So of course, जहाँ chaos और comedy और confusion है वहाँ अक्षय कुमार कैसे नहीं हो सकते. चाहे वो emotional scenes हो या comical, अक्षय कुमार gets the maximum screen time. He also makes the most of it. But thankfully, उनकी comedy इस film में उतनी loud नहीं है जितनी कि for example, Houseful series में होती है because that's of course a different genre. But इस film में he's a little restrained even when it comes to comedy, which I thought was a welcome change for Akshay Kumar. The other good thing about Good News is of course Kareena Kapoor. She looks like a million bucks. Itne saalon ke baad bhi she just keeps getting younger every day and with every film and she's so stylish. Aur unko dekh kar of course film mein kisi aur cheez pe dhyan to jata nahi aapka. But of course unki jo performance hai it's top notch in this film as well and there's just no complaints over there. We just feel ki kyun wo साल में या दो तीन साल में एक फिल्म अप कर रही है. शी शुड रियली बी डूइंग मोर फिल्म्स एंड वी रियली नीड टू सी हर मोर ऑन द बिग स्क्रीन. दिलजीत दोसांझ की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, वैसे हमने देखा है उनकी प्रीवियस फिल्मों में भी, बट इस फिल्म में सैडली इट्स नॉट रियली एक्सप्लोर्ड टू द फुलेस्ट. ही काइंड ऑफ प्लेज द सेकंड फिडल टू अक्षय कुमार. तो जो दिलजीत के फैंस हैं वो शायद थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं. कियारा आडवाणी इज ऑल्सो गेटिंग बेटर विद एवरी रोल और इस फिल्म में भी डिस्पाइट हैविंग बिग स्टार्स लाइक अक्षय एंड करीना शी होल्ड्स ऑन टू हर ओन लाइक शी डिड इन कबीर खान एज वेल. बट अगेन फर्स्ट half mein she doesn't have much to do, second half is where unka character zyada ubhar kar aata hai. In teenon actors ke alawa there are some good supporting actors as well, jaise Tiska Chopra, she is the best amongst all of them. There is also Adil Hussain, he is good, and there is Anjana Sukhani after a long time, she also kind of suits her role. She plays Akshay Kumar's sister. Good News ki writing kafi funny, witty aur smart hai aur zyada tar jitne bhi jokes aur punches hain they work. फिल्म के कैरेक्टर्स भी वेल एच्ड आउट हैं और उनकी जो सिचुएशंस हैं और उनकी कैरेक्टराइजेशन है उनको देखकर आपको काफ़ी रिलेटेबल लगता है एंड यू अंडरस्टैंड कि आजकल के ज़माने में स्पेशली इन अर्बन इंडिया ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इट कैन हैपन टू एनीवन. विजुअली भी गुड न्यूज़ काफ़ी गुड लुकिंग फिल्म है विद ग्रेट लुकिंग हीरोज़ एंड ब्यूटिफुल हीरोइंस और फिल्म का जो ओवरऑल टोन है वो भी काफ़ी कलरफुल है. जब सैडनेस भी होती है फिल्म में तो इट नेवर रियली बॉग्स यू डाउन, इट्स सेंसिटिवली हैंडल बट इन अ वेरी कलरफुल वे. फिल्म की जो ओवरऑल पेस और एडिट है वो काफ़ी क्रिस्प है लेकिन सेकेंड हाफ में देर आर सम प्रॉब्लम्स जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो मेजर फर्स्ट हाफ में बिल्ड होती है वो बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाती है. सो यू फील अ लिटिल डिसकनेक्टेड विद द नैरेटिव स्पेशली इन सम पार्ट्स ऑफ द सेकेंड हाफ. गुड न्यूज़ में कई सारे गाने हैं, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ वाला गाना और जो सौदा खरा खरा है दे काइंड ऑफ स्टैंड आउट और उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है फिल्म में. बट देर आर वन टू मैनी सॉन्ग्स इन द फिल्म और जो प्लेसिंग है गानों की वो भी थोड़ी सी हेव आया है. दे जस्ट कम एट एनी टाइम, नॉट नेसेसरीली एट अ टाइम दैट यू वुड हैव वॉन्टेड अ सॉन्ग टू बी इन. सो ओवरऑल वेल गुड न्यूज़ इज़ अ वेरी अर्बेन कॉमिकल लाइट हार्टेड एंटरटेनर जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं. ये फिल्म ऑफ कोर्स अर्बन ऑडियंसेस को ज़्यादा अपील करेगी बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन. सो नाउ हियर्स द बेस्ट न्यूज़, आई एम गोइंग विद 3.5 stars out of 5 फॉर गुड न्यूज़. अगले साल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा एक और फिल्म का रिव्यू लेकर सीधे दुबई से. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट 2020.